में बीएमसी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में एक के बाद एक ताबड़तोड़ जन कल्याणकारी परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया है। पीएम मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष सेलार, एकनाथ शिंदे की पार्टी बाला साहेब बाजपेयी, शिवसेना के कई नेता मंत्री मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने मुंबई में करीब 38,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये परियोजना आम मुंबई वासियों के जीवन को सीधे लाभ पहुंचाने वाली है। तेज विकास की ना हो, जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीति की इच्छा शक्ति की किसी भी चीज की कमी नहीं है।